हेलो फ्रेंड्स ये गाड़ी है हुंडई आइटन और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका फ्रंट बम्पर मैंने हटाया हुआ है फ्रंट बम्पर हटाया है तो कई बार आपकी गाड़ी में भी ऐसा होता होगा कि आपको फ्रंट बम्पर हटाना पड़े भले वो किसी भी काम को लेकर हो लेकिन हाँ कई काम ऐसे होते हैं जो कि हमारा बम्पर खुलता है तो उस समय हमको कर लेने चाहिए हमारी गाड़ी के लिए वो फायदेमंद होते हैं और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में करना क्या होता है तो ये देखिए सबसे पहले क्या होता है कि देखिए जब भी बम्पर हटाए हमको एक अच्छा व्यू मिलता है देखने का सारे इक्विपमेंट टेस्ट करने का सबसे ज्यादा हमको जरूरी होता है यहाँ पे लीकेज टेस्ट करना रेडिएटर की कई बार रेडिएटर पाइप के पॉइंट से लीक होता है लेकिन वो आगे बंपर रहता है तो इतना पता नहीं चलता है और वो बहुत माइनर एक एक ड्रॉप करके होता है तो इतनी जल्दी दिखता भी नहीं है और विजुअली हमको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत कूलेंट कम हो रहा है लेकिन कहीं लीकेज नहीं है तो यहां पे हम फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल पॉइंट हमको यहां भी दिख रहा है और वहां का भी दिख रहा है यहां पे ग्रीन मार्क्स दिख जाता है अगर यहाँ से कभी लीकेज रही होगी तो ग्रीन मार्क्स हो जाएगा क्योंकि वो कूलेंट वहां से निकला होगा दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है देखिये रेडिएटर का व्यू पूरा है और सामने कंडेंसर दिख रहा है हमको एसी का

चौक हो जाती है तो बंपर पूरा लगा हुआ है बहुत कम व्यू आगे से होता है कभी हम लोग आगे से प्रेशर भी देते हैं तो उतना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता जितना अच्छे से हम इस समय इसको क्लीन कर सकते हैं क्लीन अपने आप भी आप कर सकते हैं सेल्फ भी क्लीनिंग कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो किसी प्रेशर वाले से प्रेशर लगवा सकते हैं लेकिन हाँ प्रेशर रिड्यूस करके और फैला के उसको लगाना होता है उसको बताना पड़ता है कि देखिए इस पे कंडेंसर पे आपको प्रेशर बड़े हिसाब से लगाना है तो वो उस हिसाब से लगाएंगे और खुद से करना हो तो देखिए खुद से करने के लिए मैंने सोपी वाटर लिया है आप भी ले सकते हो ऐसा कोई इशू नहीं है जब भी खुले वहां पे या तो सौ पचास रुपया के को दे दो जो वहाँ पे काम करने वाला है एक्स्ट्रा दे दो तो वो उसको क्लीन कर देगा तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे स्प्रे किया स्प्रे किया सिंपल और सोपी वाटर इसके लिए डाल रहा हूँ ताकि अंदर का थोड़ा बहुत जो होगा वो थोड़ा लूज पड़ेगा और फिर जब मैं प्रेशर से वॉश करूंगा तो वो इजीली इसके अंदर से जो भी डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह होगी वो सारी निकलेगी ये जितने भी वेंस होते हैं ये देखिए इसके अंदर से पूरी एयर ट्रांसफर होती है जितने भी हैं ये वेंस अभी जितने डैमेज दिख रहे हैं आपको कई बार क्या होता है काम करते समय कुछ लोग खोलते हैं काम कर रहे हैं कभी पेचकस लगा कभी कुछ लगा ये वेंस डैमेज होने लगती हैं अभी देखिए इसको हटाता हूं मैं ये कंडेंसर है ए का ये क्लीन रहेगा तो आपके ए में कूलिंग अच्छी होगी और इसके पीछे जो रेडिएटर है ये रेडिएटर ये क्लीन रहेगा तो आपका इंजन अच्छा परफॉर्म करेगा बिकॉज होगा क्या कि वो ओवर हीट होने के कभी नौबत में नहीं आएगा जब भी जरा जब भी पानी सर्कुलेट करेगा यानी कि कूलेंट यहाँ सर्कुलेट करेगा एयर के अच्छे टच में आएगा और फटाक से अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगा तो ये देखिए इसको भी मैं क्लीन कर रहा हूँ और उसी तरीके से क्लीन कर रहा हूँ लेकिन हाँ थोड़ा सा एक पॉइंट है यहाँ पे देखने के लिए कि जो इसकी वेन्स होती हैं जब हम इसमें ब्रश का अप्लाई करेंगे देखिए ये जो ब्रश है इसका जब अप्लाई करेंगे तो इसकी वेन्स को ध्यान में रखते हुए करना है देखिए ये वेंस इसकी ऐसे बनी हुई है, ये है और इसमें से जितने अच्छे से एयर फ्लो कर पाएगी उतना अच्छा रेडिएटर काम करेगा या फिर कंडेंसर काम करेगा क्योंकि एयर पूरी पास हो रही है और ये जहां पे डैमेज हो जाएगा जो एरिया डैमेज होगा तो उतने एरिया में एयर क्या होगी फ्लो नहीं होगी रुकेगी तो ये देखिए ये वाला पॉइंट है ये वाला है ये इन एरियो पे अभी एयर रुक रही है तो हमको ये ध्यान में देना है कि ये डैमेज ना हो ब्रश को ऐसा यूज करें कि कि ये चीज़ मुड़े नहीं। इट अगर ऐसे स्लॉट में है तो ये उसको हमको सिंपल इसी तरीके से चलाना है और ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं ये हर कोई आपको ऐसे बताएगा नहीं कहीं भी आप वर्कशॉप पे जाएंगे काम कराने जाएंगे इवन आप ऐसा क्यों नहीं कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाएं वो लोग भी आपको इतनी जल्दी बताएंगे नहीं कि हमको ये करना चाहिए क्यों क्योंकि होगा क्या कि वो जिस काम पे फोकस कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने बम्पर खोला है वो उसी काम पे फोकस करेंगे लेकिन हाँ प्लस पॉइंट आपको लेने हैं कि इसके साथ साथ और क्या हो सकता है क्योंकि बम्पर बार बार तो खुलता नहीं नहीं है है और इसमें हमको कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी आनी तो इसलिए ये काम तो हमको कर ही लेना चाहिए लेकिन हाँ थोड़े से टिप्स जो मैं दे रहा हूँ वो जरूर ध्यान में रखिए कि देखिए इसकी वेंस ऐसे थी तो मैंने इसको ऐसे क्लीन किया था लेकिन इसी जगह अभी यहाँ पे कंडेंसर है इसकी वेंस इस तरह से है तो इसको मैं ऐसे क्लीन करूंगा और यही पॉइंट होता है हमारे ए में भी जब हम लोग या फिर होम घर वाला ए साफ कर रहे हैं विंडो एसी स्पीट ए सी किसी की भी सर्विस करते हैं तो उसमें सर्विसिंग में देखिए यही क्लीनिंग होती है और इसमें ध्यान यही चीजें रखनी होती है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो देखिए इस तरह से मैंने इसको क्लीन किया पूरा सरफेस अच्छे से मैंने सोपी वाटर से क्लीन किया इसको क्लीन करने के बाद अब मैं इसमें देखिए नीचे एक टब रखूंगा टब में आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में कितनी डस्ट वगैरह डर्ट वगैरह इसके अंदर जमा हुई थी और वो डर्ट हीट को ट्रांसफर होने से रोकती है मतलब उतना अच्छे से हीट ट्रांसफर होने नहीं देती है अभी देखिए ये क्या है बोटल में एक प्रेशर वॉशर है मेरे पास सिंपल मैनुअल अब इसको लगाने के बाद अब मैं इससे वॉश कर लूंगा पानी भी कम लगेगा इसमें ऐसी बात नहीं कि बहुत ज्यादा पानी लग रहा हो पानी जितना है आपके सामने ही लग रहा है और ये देखिए मैंने इसको वॉश किया वॉश करने के बाद ये पूरा पीछे का भी यहाँ से वॉश करूंगा क्योंकि मेरे पास देखिए रेडिएटर का एक्सेस था तो मैंने हटाया कंडेंसर हटाते समय कभी आप ध्यान रखेंगे कि देखिए ये जो पाइप है फ्लेक्सिबल होते हैं इसके अंदर हाई प्रेशर में गैस होती है ये कभी डैमेज नहीं होना चाहिए जब भी कंडेंसर हटाएं तो ये ध्यान रखें कि वहाँ पे फ्लेक्सिबल हो तब उसको हटाएँ अदरवाइज़ अच्छे तरीके से उसको हटाएं ताकि वो डैमेज ना अभी देखिए मैंने इसको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद इतनी डस्ट और ये मड वगैरह इसके अंदर से निकला है यानी कि ये सारी डस्ट हमारी इन वेंस में जमा थी जो कि हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकती थी इतने अच्छे से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती थी जितनी उसकी पावर है उसको अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से पूरा परफॉर्म करने नहीं मिल रहा था लेकिन अभी वो बढ़िया परफॉर्म करेगा इससे आपका ए तो अच्छा कूलिंग करेगा साथ ही साथ क्या होगा इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी इंजन जल्दी कूल cool होगा जब भी हीट होगा या, यानी कि जब ओवर हीट या फिर हीटिंग पे टेम्परेचर पे इंजन आता है तो फिर हमारा रेडिएटर काम करता है उसको ठंडा करने के लिए तो वो रेडिएटर जल्दी से उसको ठंडा कर पाएगा आपका जो फैन है रेडिएटर फैन जो चलता है उसको भी कम टाइम तक चलना पड़ेगा और अगर सीधी भाषा में आपको बताऊं तो कम आपका जो है ए का वो अपना पूरा काम कर पाएगा ए से आपको फुल कूलिंग मिलेगी प्लस साथ साथ जो रेडिएटर है रेडिएटर इंजन को ठंडा होने में बहुत अच्छे से मदद कर पाएगा और आपके इंजन में ऐसे हीटिंग का कभी प्रॉब्लम जल्दी आएगा नहीं अननेसेसरी ब्रेकडाउन से बचेंगे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग